वेलकम बैक। और अब देखिए, आज हम लोगों को एक्सरसाइज 6.2 जो थी ना हमारी, तो आज हमें उसी अपनी एक्सरसाइज 6.2 को स्टडी करना है। और 6.2 को स्टडी करके हम बताएंगे कि हमें कैसे क्या करना है, मतलब क्या क्या इसके अंदर दिया क्या है और हम क्या इसमें स्टडी करेंगे। तो देखो, यहाँ पे आपके लिए आज स्पेशली बोला हुआ है कि आपने क्या करना है, आपने एक नंबर लाइन का यूज़ करना है। और नंबर लाइन यूज़ करने के बाद आपने बताना है कि अगर हम 3 more than 5, मतलब 5 से 3 ज़्यादा चलेंगे तो हम कहाँ पे पहुँचेंगे। मतलब ये होगा क्या कि आपने देखो, ऐसे अगर मैं आपके लिए यहाँ पे नंबर लाइन बनाऊँगा, तो चलो मैं यहाँ जैसे बना रहा हूँ आपके लिए नंबर लाइन, तो ये होती है हमारी नंबर लाइन ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे रहता हमारा 0, ठीक है। ये वाले जो डिजिट्स रहते हैं हमारे, ये होता है +1, यहाँ पे होता है +2, यहाँ पे होता है जी +3, यहाँ पे हम चलेंगे तो ये हो जाएगा +4, ये रहेगा हमारा +5। और यहाँ से 0 से पीछे अगर हम लोग चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो -1, -2, -3, -4, ठीक है। तो अभी देखिए, हमारे लिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है जी, तो क्वेश्चन में हमारे लिए बोला है कि अगर आप 3 more than 5, मतलब 5 से अगर आप 3 स्टेप आगे चढ़ोगे, मोर मतलब ज़्यादा। तो देखिए, यहाँ पे थे ना हमारे नंबर लाइन पे, हमने कहाँ तक बनाई थी अपनी नंबर लाइन, हमने 5 तक बनाई थी, तो इसको थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो 5 के बाद यहाँ जैसे ये आपका रहेगा जी +6, फिर यहाँ पे जैसे आगे चलेंगे तो +7, एंड यहाँ जैसे होगी आपका +8, एंड आगे आगे चलता जाएगा 9, सो ऑन। तो हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, देखो हमने स्टार्ट करना है इस 5 से, ठीक है। ये जो 5 है ना आपका, तो इस 5 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और चलते चलते हम कहाँ पे पहुँचते हैं, तो देखिए जी, 5 से हमने चलना था, तो 5 से देखो एक स्टेप यहाँ से चलेंगे ना, तो 5 से 1 स्टेप चलेंगे तो 6 पे पहुँच जाएंगे, फिर 6 से एक स्टेप और चलेंगे तो 7 पे पहुँचेंगे, फिर 7 से एक और स्टेप चलेंगे तो 8 पे पहुँचेंगे। तो मतलब फाइनल हमारी जो डेस्टिनेशन होगी वो क्या होगी, वो होगी 8। अगर आपको इस बात की समझ नहीं आई, तो देखो मैं यहीं जैसे फिर से आपको समझाता हूँ अच्छे से। देखो ये नंबर लाइन बनेगा ना ऐसे, तो मान लीजिए यहाँ पे आपका नंबर लाइन पे 5 था, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा 6 होगा, यहाँ पे होगा 7, इधर पे होगा 8, फिर यहाँ पे आगे और चलेंगे तो ये 9 रहेगा, और ये वाला आपका 10 हो जाएगा। तो देखो, आपको बोला है कि 5 से 3 more चलेंगे, मतलब मोर देन 5 से 3 और चलेंगे, तो 3 से आगे चलेंगे तो एक स्टेप चले तो 6 पे पहुंच गए, फिर 6 से एक और स्टेप चले तो 7 पे पहुंच गए, और 7 से एक और स्टेप चले तो 8 पे पहुंच गए, और हमारा फाइनल डेस्टिनेशन जो थी वो थी 8। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, +8 या 8, ठीक है। तो यही हमारा आंसर था। अब सेम ऐसे ही है, देखो अब यहाँ पे अब आपके लिए जो सेकंड पार्ट है ना, सेकंड पार्ट में आपके लिए क्या बताया गया है, सेकंड पार्ट में आपको बोला है इन्होंने कि चलिए जी, आप 5 more than -5, मतलब आपको क्या करना है, -5 से 5 स्टेप आगे चलना। अब मोर है ना, तो मोर का मतलब होता है आगे, तो -5 से आगे जब हम चलेंगे, देखो मैं बताता हूँ, इसके लिए आपको नंबर लाइन बनानी पड़ेगी सबसे पहले, तो ठीक है चलिए, तो नंबर लाइन बनाते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ से अगर मैं आपके लिए नंबर लाइन बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ जैसे मैं बना रहा हूँ आपके लिए नंबर लाइन, तो इस नंबर लाइन के ऊपर होगा क्या, ये हो जाएगी आपकी नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पे आपका जो काउंटिंग होती है, तो वो कुछ इस तरीके से रहेगी, है ना। कलर चेंज करता हूँ, तो देखिए ये जो हमारा बेसिक होता है, ये होता है 0, फिर यहाँ से हो जाएगा आपका -1, फिर उसके बाद होता है -2, फिर हो जाएगा -3, फिर हो जाएगा -4, फिर हो जाएगा आपका -5 एंड -6 और -7। और इसके अगर हम लोग राइट साइड पे चलेंगे, तो ये हो जाएगा आपका +1, ये हो जाएगा आपका +2, और यहाँ पे रहेगा आपका +3।
चलिए अब देखिए, फोकस कीजिए आप अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन पे था फाइव मोर देन माइनस फाइव, मतलब माइनस फाइव से आपने क्या करना था, माइनस फाइव से आपने पांच स्टेप और चलना है। तो पांच कदम और चलेंगे, तो देखिए ये थे ना हम माइनस फाइव के ऊपर, अभी हम माइनस फाइव से चलते हैं आगे। तो माइनस फाइव से जब हम आगे को चलेंगे तो पांच कदम चलना है, कहाँ पे कितना पांच कदम, तो देखो वन हो गया ना, मतलब ये प्लस वन चले हम, फिर उसके बाद यहाँ से एक और कदम चलना है, तो ये हो गए दो कदम हमारे, फिर यहाँ से एक और चले हो गए तीन कदम, फिर यहाँ से एक और ये हो गए चार कदम, और फिर यहाँ से एक और ये हो गया आपके पांच कदम। तो मतलब क्या है कि जब हम माइनस फाइव से फाइव स्टेप और चले तो हमारी जो फाइनल डेस्टिनेशन थी वो थी ज़ीरो। तो इसी तरीके से जो इसका आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा ज़ीरो। अब देखिए सिक्स लेस देन टू, मतलब आपने क्या करना है जी, छः कम चलना है जी टू से, मतलब टू से आपने छः पीछे जाना, लेस है ना, तो लेस का मतलब आपको पता है, लेस का मतलब होता है कम। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए नंबर लाइन बनाऊँगा सबसे पहले, फिर दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये बनेगी आपकी नंबर लाइन, ओके। अब देखिए यहाँ पे ये क्या जी हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ज़ीरो, फिर यहाँ पे होगा वन, फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका टू, फिर यहाँ पे हो जाएगा थ्री, फिर यहाँ पे हो जाएगा फोर, यहाँ पे हो जाएगा फाइव एंड सो ऑन। और इधर की बात कर लें तो ये रहेगा आपका माइनस वन, ये रहेगा आपका माइनस टू, ये रहेगा आपका माइनस थ्री, और ये रहेगा आपका माइनस फोर। और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, लाइन को भी एक्सटेंड करेंगे, पीछे लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस फाइव, ठीक है। चलिए अब हमारे लिए जो क्वेश्चन था, तो हमारे लिए क्वेश्चन ये था कि जब आप क्या करेंगे छः लेस देन टू, मतलब दो से आप छः कदम पीछे जाएंगे, अब लेस है तो यहाँ से ये हो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। तो सिक्स वाले स्टेप पे हम पहुँचे कहाँ पे, हम पहुँचे माइनस फोर के ऊपर, तो इसका आंसर रहेगा माइनस फोर, माइनस फोर के ऊपर पहुँच जाएंगे ना। वैसे ही आप देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, माइनस टू से आपको, माइनस टू से आपको तीन और पीछे चलना है, तो माइनस टू से तीन और पीछे चलेंगे, देखो यहाँ पे जैसे दिखा देता हूँ, ये है ना आपका माइनस टू, तो माइनस टू से तीन कदम और चलोगे तो देखो वन टू एंड थ्री, तो आप पहुँच जाओगे माइनस फाइव के ऊपर, तो ये रहेगा आपका माइनस फाइव, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि थोड़ा पूरा आपको समझ आ रहा होगा। चलिए आप देखिए नेक्स्ट स्टेप, देखो यहाँ पे आपके लिए क्या बोला है कि आपको नंबर लाइन का यूज़ करना है, और नंबर लाइन को यूज़ करने के साथ साथ में आपको इनको ऐड भी करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है जी, चलिए ऐड भी कर लेते हैं इसको, ओके। तो देखिए जी एक नंबर लाइन बनाएंगे सबसे पहले, तो नंबर लाइन बनाने के बाद हम क्या करेंगे, नाइन में सिक्स को ऐड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी। तो गड़बड़ ये होगी कि नाइन में हम प्लस करेंगे लेकिन माइनस सिक्स को, तो ये रहा जी आपका नंबर लाइन, ठीक है। ऐसे ही क्या होगा, आपकी नंबर लाइन के ऊपर कहीं पे ये रहेगा आपका ज़ीरो, यहाँ से पीछे होंगे माइनस, यहाँ से आगे होंगे प्लस वाले, तो कहीं पे आपका नाइन कौन सा है, प्लस नाइन है ना, तो मान लीजिए यहाँ पे आपका नाइन था, अब उससे आपने छः प्लस करना था लेकिन माइनस है, तो पीछे आना है, तो ऐसे होना है नाइन से छः कदम पीछे चलना है, एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है। तो आप कहाँ जैसे पहुँचेंगे, तो वो आप पहुँचेंगे नाइन से, जब आप छः स्टेप पीछे आ जाएंगे तो आप पहुँचेंगे थ्री के ऊपर, तो प्लस थ्री रहेगा। फिर ऐसे ही है फाइव माइनस इलेवन, तो आपने क्या करना, नंबर लाइन बनानी है, ऐसे करके आप एक नंबर लाइन बनाएंगे, नंबर लाइन पे आप पहले पाँच बनाओगे ना, पाँच यहाँ है ना पाँच, तो फिर पाँच के बाद आपको क्या करना है, पाँच के बाद आपको माइनस इलेवन, मतलब इलेवन स्टेप आपको रिवर्स में जाना है, तो यहाँ से हो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एंड इलेवन, तो जहाँ पे आप पहुँचोगे वो वाला रहेगा आपका सही आंसर।
फिर वैसे नेक्स्ट वाले में क्या है, माइनस माइनस वन से आपको माइनस सेवन टाइम्स पीछे जाना था। तो देखो आप नंबर लाइन बनाओगे और नंबर लाइन के ऊपर क्या करोगे, माइनस वन जहाँ पे होगा ना वहाँ से आप कितने सेवन स्टेप पीछे चले जाओगे, तो जहाँ पे पहुँचोगे वो आपका फाइनल आंसर रहेगा। तो बहुत आसान है, नंबर लाइन पे ही आपको ये करना है। ठीक है, ट्राई कीजिएगा, अगर निकलेंगे तो बढ़िया, नहीं निकलेंगे तो फिर देखेंगे, इनके बारे में भी कोई घबराने वाली बात है नहीं इसमें। अब देखिए यहाँ पे आपको बोला है कि ऐड करना आपने, लेकिन कैसे ऐड करना है जी, विदाउट यूजिंग नंबर लाइन। तो आपने नंबर लाइन का यूज़ नहीं करना है और आपने इनको ऐड करना है। तो देखो आप यहाँ पे, आपको थोड़ा इम्पॉर्टेंट ज्ञान देने वाला हूँ मैं, सब लोग ध्यान से सुने। ठीक है, देखिए जी, जब भी क्या होगा, जब भी दो निशानों की लड़ाई आपस में होगी ना, तो वो लड़ाई होने के बाद होगा क्या उसमें, तो देखो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आपका एक प्लस होगा और ब्रैकेट के अंदर माइनस हो जाएगा, मतलब इनकी लड़ाई हो रही है, प्लस और माइनस की जब लड़ाई होगी ना, तो जीतेगा कौन, माइनस। फिर ऐसा ही है, अगर माइनस और प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर कुछ भी होगा और प्लस में होगा वो, तो जब इसकी लड़ाई आपस में होगी तो माइनस प्लस भी क्या होता है आपका, माइनस ही होता है। और जब एक जैसे साइन होंगे इकट्ठे, मतलब एक एक से साइन होंगे, जैसे क्या होगा, प्लस और प्लस होगा, ठीक है, तो प्लस और प्लस की लड़ाई होगी तो भी प्लस ही बनेगा, और माइनस एंड माइनस की लड़ाई होगी तो तब भी प्लस ही बनेगा। तो ये जो चार चीज़ें ना भाई, ये आपको बहुत इम्पॉर्टेंटली याद रखनी है, इनको कभी भी आपने भूलना नहीं है, अपनी ज़िंदगी में कभी भी आप इनको भूलोगे नहीं। तो अगर इनको भूलोगे नहीं तो आपके सामने जो भी क्वेश्चन आ जाए, जितना भी क्वेश्चन मुश्किल आ जाए, आप कभी भी उसे हार नहीं मानोगे। ठीक है, चलिए तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप क्वेश्चन कौन सा, हमें क्वेश्चन थ्री करना है ना, ये वाला क्वेश्चन करना है। तो इस वाले क्वेश्चन का मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ कैसे करना आपको। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है ना, तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन मैं यहाँ जैसे करता हूँ आपके लिए। ठीक है, तो ये रहेगा जी आपका फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। और फर्स्ट पार्ट में क्या है जी आपका, यहाँ से देखेंगे तो ये है 11 प्लस और ब्रैकेट के अंदर है माइनस 7, यही है ना। तो देखिए करेंगे क्या आप इसके लिए, आप ऐसे करेंगे इसके लिए सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में ऐसे हो जाएगा, ये 11 है ना, देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक प्लस और एक माइनस, और मैंने अभी आपको क्या बताया कि जब भी एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, है ना, यहाँ पे देखो एक प्लस है और एक माइनस है, तो जीतता कौन है, माइनस बनता है ना। तो वैसे ही ये भी क्या हो जाएगा आपके पास, ये प्लस माइनस जब आपस में लड़ाई होगी इसकी, तो जीतेगा कौन, माइनस, तो प्लस माइनस माइनस और आगे रहेगा 7। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, यहाँ से 11 में से 7 कटे तो 4, और यही 4 रहेगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बी वाले पार्ट का सॉल्यूशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ये है जी आपके पास माइनस 13 प्लस और ब्रैकेट के अंदर और प्लस 18 है। तो देखिए जब भी इसका सॉल्यूशन होगा तो इसका सॉल्यूशन आपको कैसे करना है, ये रहेगा आपके पास माइनस 13, अब देखो प्लस प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 18। अब देखिए यहाँ पे एक माइनस और एक प्लस, तो आपको पता है ना प्लस माइनस, जब एक माइनस होता है और एक प्लस होता है तो तब हमको माइनस करना पड़ता, लेकिन निशान हम लगाएंगे बड़े वाले का, तो बड़ा कौन सा है, 18 है ना जी बड़ा, तो 18 बड़ा है तो निशान 18 का मतलब प्लस वाला निशान रहेगा, और करेंगे हम इसको माइनस, तो 18 में से 13 कटेंगे तो पीछे बचेंगे 5, और ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। ठीक, चलिए अब देखिए आगे सी वाला, यहाँ जैसे करता हूँ मैं, तो सी वाले पार्ट में आपके लिए क्या अभी लिखा है जी, माइनस 10 प्लस और फिर और प्लस करके तो 19 है। चलिए तो देखो इसका सॉल्यूशन जब होगा तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, पहले आपने इसके साइन निकालने, तो माइनस 10 है ना ये प्लस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस और 19 का रहेगा 19। अब फिर से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक प्लस है और एक माइनस है, है ना, यहाँ पे एक माइनस एक प्लस, तो जब भी एक माइनस एक प्लस तो क्या करना हमको, माइनस करना, मतलब प्लस माइनस माइनस होता है, तो प्लस माइनस माइनस, तो निशान रहेगा बड़े वाले का, तो बड़ा कौन सा, यहाँ पे भी 19 बड़ा है, तो मतलब निशान भी रहेगा प्लस का, और 19 में से 10 कटेंगे तो बचते हैं
नाइन आपके पास, ठीक है। आगे वाला देखिए, डी वाला, डी वाला भी सेम ऐसे ही है, कलर चेंज करता हूँ मैं। तो देखिए डी वाला पार्ट का सोल्यूशन जब आपको करना होगा ना, तो डी वाले पार्ट का सोल्यूशन आप कैसे करोगे, तो देखो डी वाला मैं आपके लिए कहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ जैसे करता हूँ मैं, ठीक है। देखो ये वाला, ये रहेगा आपका डी पार्ट। तो डी पार्ट में लिखा क्या है, -250 और प्लस और आगे फिर प्लस और यहाँ पर लिखा है 150। तो देखो जब भी इसका सोल्यूशन करोगे तो इसका सोल्यूशन ऐसे होगा, ये -250 है तो ये ऐसे ही रहेगा, प्लस 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 हो जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा आपके पास फिर से 150। अब देखो यहाँ पे ये दो बन गए ना, इसका साइन माइनस इसका साइन प्लस, तो जब भी एक प्लस एक माइनस तो करना क्या है, माइनस, लेकिन निशान रहेगा बड़े वाले का, तो बड़ा कौन सा है, 250 है ना, तो अभी निशान रहेगा माइनस और 250 में से 150 कटेंगे तो पीछे बचेंगे 100 और ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो देखिए बच्चों आप क्या करेंगे, आप इसी इन्हीं क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ये जो मैंने अभी आपको सॉल्यूशन बताए यहाँ पे, तो यही सॉल्यूशन आपको लिखने भी हैं और ऐसे ही आपको इन पे प्रैक्टिस करनी है, और अगर कहीं आपको कोई दिक्कत आ रही तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।